जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए BA सेकंड ईयर का इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर है। इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चलिए देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे तो चलिए, यहाँ पर खंड एक में आपके यहाँ पर बहुविकल्पीय टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे लोक वित्त का संबंध लोक सत्ताओं की आय और व्यय तथा एक दूसरे के साथ समायोजन से है, एक कथन किसका है। आंसर आपको कमेंट में बताते जाना है। ये चार विकल्प दिए गए हैं, एक कथन किसका है ये पूछा गया था। फिर अगला क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों का वितरण करता है, कौन करता है? वित्त आयोग, योजना आयोग, चुनाव आयोग या फिर उपायुक्त में से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आगे क्वेश्चन आपके ये जो हैं क्या पूछे गए थे आगे आपके यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर चार पूछा गया था कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, अवमूल्यन के उद्देश्य क्या है ये पूछा गया था। तो इनमें से आपको आंसर चयन करना था। अब खंड बी की बात करें तो इसमें आपके लघु उत्तरी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे सार्वजनिक वित्त से आप क्या समझते हैं समझाइए, सार्वजनिक वित्त का क्षेत्र समझाइए अथवा में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर तीन में पूछा गया कि राजकोषीय घाटे की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए अथवा में दिया था बजट से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर चार पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का महत्व समझाइए अथवा में दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का क्षेत्र बताइए। फिर आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पाँच पूछा गया कि विश्व व्यापार संगठन के कारणों का वर्णन कीजिए, इसके अथवा में दिया था कि अंतर्राष्ट्रीय पूंजी अंतरण के कारण समझाइए। क्वेश्चन नंबर छह था कि अधिमूल्यन का अर्थ बताइए, इसके अथवा में दिया था कि टकसाली दर क्या है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अब जो आगे का पूछा गया था खंड सी से दीर्घोत्तरी क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे ये क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में अंतर लिखना है, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद करके जाइए आप, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में अंतर। और अथवा में दिया था कि करदान क्षमता को परिभाषित कीजिए, भारत में करदान क्षमता की व्याख्या कीजिए। बजट का निर्माण किस प्रकार किया जाता है व्याख्या से समझाइए, तो बजट को भी आपको जो है याद करके जाना है क्योंकि बजट से भी आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अथवा में दिया था कि घाटे की वित्त व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर नौ पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के हेक्स्चर ओहलन सिद्धांत की व्याख्या कीजिए अथवा में दिया था कि अंतर क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विविध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 था कि अर्धविकसित देशों में व्यापार की शर्तों के प्रतिकूल होने का क्या कारण है समझाइए, और इस तो इस प्रकार के ये क्वेश्चन आपके यहाँ पर दिए गए थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे अपने। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इस प्रकार का आपका क्वेश्चन पेपर आया था तो सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।